Morning all. Welcome to the next lecture on basics of computer application for applications of computer in business. In today's lecture, we will discuss about the various components of a computer system. The basic components of a computer system are basically these one. First are the input devices, then processing unit, memory management, and output devices. Input devices क्या हमारे पास ऐसे devices हैं, these are some hardware devices. Hardware मतलब जिनको हम easily touch कर सके. Hardware devices जिनकी help से हम computer को input देते हैं, data या information जो हम computer में send करते हैं, वो किसकी help से करते हैं? Input devices की help से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा, ये सभी क्या हमारे पास इनपुट डिवाइसेज हैं. माइक, ये भी क्या एक इनपुट डिवाइस है. और आउटपुट डिवाइस जिसके जरिए हमारे पास आउटपुट मिलती है, जो कंप्यूटर को हमने इनपुट दी है उसके ऊपर वो क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और हमें क्या करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करवाता है. आउटपुट अब किस फॉर्म में होगी, आउटपुट वो हार्ड कॉपी की भी फॉर्म में हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द प्रिंटर, या सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग द मॉनिटर, या कुछ ऑडियो आउटपुट भी हो सकती है, या वीडियो आउटपुट भी हो सकती है. ऑडियो आउटपुट हमें स्पीकर पे मिलेगी, वीडियो आउटपुट हमें मॉनिटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर मिलेगी. सो बेसिकली आउटपुट डिवाइस जहां से हमें आउटपुट मिलेगी. और जो अदर कंपोनेंट्स है, टू कंपोनेंट्स, वन इज सीपीयू और प्रोसेसर. ये क्या है हमारे पास, इसको बेसिकली हम बोल देते हैं प्रोसेसिंग यूनिट. एंड फोर्थ वन इज द मेमोरी यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट का काम है पूरे का पूरा प्रोसेस करना, उस डाटा को प्रोसेस करना. इसमें भी बेसिकली दो पार्ट्स है, एक सीपीयू होता है और एक होता है सीपीयू. इसको बेसिकली हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आगे दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर रखा है. वन इज एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट, दैट इज सीयू. उसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. एंड लास्ट वन इज द मेमोरी मैनेजमेंट. तो मेमोरी में हमारे पास दो तरह की बेसिकली मेमोरी है, एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम आगे फर्दर लेक्चर में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट वन इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट सबसे पहले इनपुट. इनपुट क्या है, इनपुट इज एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी हम डाटा अपनी तरफ से सेंड करते हैं, दैट इज नोन एज द इनपुट. और एनी हार्डवेयर कंपोनेंट अलाउज यूजर टू एंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट यूनिट. तो इनपुट यूनिट क्या है, कोई भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट जो यूजर को इनपुट दे, यूजर की हेल्प करे टू प्रोवाइड इनपुट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, इज नोन एज द इनपुट यूनिट. फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड. कीबोर्ड, इट इज यूज टू एंटर द इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड फॉर गिविंग द कमांड्स. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर हैज अ कीबोर्ड कॉल्ड क्वालिटी कीबोर्ड. अब क्वालिटी कीबोर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें के डब्ल्यू ई आर टी वाई, ये यहाँ से इसको मिला क्वालिटी कीबोर्ड, जैसे टाइपराइटर में हमारे पास होता था. तो इट इज जनरली नोन एज द क्वालिटी कीबोर्ड. दूसरी इनपुट डिवाइस बाल माउस. माउस भी आगे दो तरह के हैं, जैसे हमारे पास अगर हम आज से 10 ईयर्स पहले एल्गो की बात करें तो बाल माउस हुआ करते थे, जिसमें माउस के नीचे क्या होती है, एक बॉल होती थी जिसको हम रोटेट करके अपनी माउस को या अपने कर्सर को राइट लेफ्ट अप डाउन मूव कर सकते थे. और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं. तो पहले हम बात करेंगे बाल माउस की. तो बाल माउस क्या है, एन इनपुट डिवाइस ऑपरेटेड बाय रोलिंग इट्स बाल अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस एरिया. द माउस इज यूज टू कंट्रोल एन ऑन स्क्रीन पॉइंटर बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और ड्रैगिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन. तो जो माउस का यूज है उससे हम क्या, माउस क्या बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस है. पॉइंटिंग का मतलब क्या, ये देखो जो हमारा यहाँ पे येलो कर्सर मूव हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी पॉइंट को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं. तो ये स्क्रीन पॉइंटर या पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करता है. और इससे हम किसी भी चीज को क्लिक भी कर सकते हैं. क्लिक भी दो तरह का है, सिंगल क्लिक या डबल क्लिक. ड्रैग भी किया जा सकता है, ड्रैग का मतलब एक ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं से कहीं लेके जाना. नेक्स्ट है ऑप्टिकल माउस, जो हम आज के टाइम में जनरली यूज हो रहा है. इट इज एन एडवांस्ड कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस
अगर हम बात करते हैं बाल माउस की, मतलब ऑप्टिकल माउस, इट इज एन एडवांस्ड कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस, एक माउस की तरह ही है। बेसिकली फर्क क्या है, ये लाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, LIGHT टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जो हमारे पास बाल माउस था वो मैग्नेटिक या बाल के टेक्नोलॉजी पे काम करता था। इट यूजेस लाइट एमिटिंग डायोड LED इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल माउस बाउल। मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय सेंसिंग द चेंजेस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। इसमें नीचे एक LED लगा होता है, जैसे उसमें नीचे की तरफ बॉल थी, इसमें क्या होगा, एक नीचे की तरफ LED लगा होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, जिससे क्या होती है, लाइट एमिट होती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके दोबारा से वहां पे आती है और उसके बेस पे वो उस लाइट को सेंस करता है और अपनी मूवमेंट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का काम क्या था, जॉब ऑफ आउटपुट यूनिट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ इनपुट यूनिट। इट सप्लाई, इनपुट यूनिट क्या करती थी, सप्लाई देने का काम करती थी, इनपुट देने का काम कंप्यूटर सिस्टम को, और आउटपुट यूनिट का काम क्या है, उससे आउटपुट लेना। इट सप्लाईज इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स इन कंप्यूटेशन आउट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल मोनिटर जो स्क्रीन है हमारी ये, या प्रिंटर, दीज आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेज विच आर यूज। जैसे ऑडियो स्पीकर्स, स्पीकर्स भी हमारे क्या है, ऑडियो आउटपुट का काम करते हैं। तो मॉनिटर, अ डिस्प्ले स्क्रीन इज यूज्ड टू प्रोवाइड आउटपुट टू द यूजर। जो डिस्प्ले स्क्रीन यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करवाने के काम आती है, दैट इज नोन एज द मॉनिटर। इट इज वेयर यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन यू आर वर्किंग ऑन द इंफॉर्मेशन। सेकेंड है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, इट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ हार्ड कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हार्ड कॉपी है द इंफॉर्मेशन टू द यूजर इन द प्रिंटेड फॉर्म, दैट इज हार्ड प्रिंटर। थर्ड जो मेन डिवाइस है वो है हमारे पास मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस का काम क्या है, डाटा को स्टोर करके रखना। ऑल द कंप्यूटर्स नीड टू स्टोर द डाटा। डाटा इज स्टोर टेम्परेरली वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, दैट इज नोन एज। मेमोरी भी दो तरह की, हमारे पास एक मेन मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोल देते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी है दैट इज ऑल्सो नोन एज द बैकअप स्टोरेज और बैकिंग स्टोरेज। इसमें जो डाटा टेम्परेरली स्टोर रहता है और यहाँ पे जो डाटा है वो क्या रहेगा, परमानेंटली स्टोर रहेगा। तो अगर डाटा टेम्परेरली स्टोर हुआ है किसमें, मेन मेमोरी में, और डाटा परमानेंटली स्टोर हुआ है किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में, इसलिए इसको बैकिंग स्टोरेज भी बोल देते हैं। टू स्टोर डाटा फॉर लॉन्ग टर्म टू प्रिजर्व प्रोग्राम्स एंड डाटा व्हाइल नॉट इन यूज इज नोन एज द बैकिंग स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, इट इज टेम्परेरी एरिया फॉर होल्डिंग द डेटा टू स्टोर द प्रोग्राम करंटली बींग यूज। बेसिकली जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर जब प्रोसेस कर रहा है, तो जो भी जिस भी डाटा के ऊपर वो प्रोसेस करेगा वो कहाँ पे होना चाहिए, डाटा हमारे प्राइमरी मेमोरी में होना चाहिए। अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में आए तो टेम्परेरली वो उठ के कहाँ पे आएगा, प्राइमरी मेमोरी में आएगा, और उसके बाद ही कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर पाएगा। टू होल्ड द डाटा प्रोड्यूस्ड वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। प्राइमरी मेमोरी आर ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। RAM, RAM is random access memory. The major portion of the primary, it is the major portion of the primary memory. तो मैंने कहा जैसा कि मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और फर्दर प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप की है, रैम एंड रोम। और उसमें जो मेजोरिटी पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का वो है रैम। मेमोरी इज यूज बाय द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। इफ द कंप्यूटर गेट्स टर्न ऑफ द रैम विल लूज ऑल द डाटा। जैसे मान लो आप किसी वर्ड के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और अभी आपने उसको सेव नहीं किया, तो जैसे ही आप क्या करोगे, लाइट कंप्यूटर शट डाउन होगा या लाइट चली गई किसी वजह से, कंप्यूटर अब्रप्टली क्या हुआ आपका शट डाउन हो गया, तो क्या होगा आपका वो डाटा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। वो डॉक्यूमेंट में जो भी आपने काम किया था विदाउट सेविंग वो सारा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी। और आगे रैम भी दो टाइप्स के, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्या है, विच रिटेन्स एज लॉन्ग एज द पावर रिमेन्स अप्लाइड। जब तक पावर है तब तक स्टैटिक मेमोरी में डाटा रहेगा। इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप्स एंड इट इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है, रिफ्रेश, इसमें कैपेसिटर्स का यूज करते हैं हम, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का। यहाँ पे हमें रिफ्रेश करते रहना पड़ता है मेमोरी को बार बार, और यहाँ पे रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती।
इट इज स्लो एंड कंज्यूम्स वेरी पावर। जो डायनेमिक रैम है वो स्लो होती है कंपेरेटिवली स्टैटिक रैम के, और कंज्यूम्स मोर पावर। मोर पावर क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगे रहते हैं जिनको हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है, तो इसलिए डायनेमिक रैम में भी पावर ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम। सेकेंड जो मेन टाइप है प्राइमरी मेमोरी का वो है रोम या रीड ओनली मेमोरी मेमोरी। अब रैम और रोम में क्या है? रैम में हम राइट भी कर सकते हैं डाटा और रीड भी कर सकते हैं, लेकिन रोम में केवल हम रीड कर सकते हैं, राइट डाउन नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं रीड ओनली, क्योंकि मेमोरी में डाटा हम नहीं लिख सकते, ऑलरेडी जो पहले का डाटा है उसको रीड आउट किया जा सकता है। मेमोरी विच कैन ओनली रीड डाटा बट कैन नॉट राइट ऑन इट, इट इज ऑल्सो अनोन, इट इज नॉन वोलेटाइल। रैम वोलेटाइल थी, लाइट जाने पे वो चली जाती था उसका डाटा, लेकिन रोम नॉन वोलेटाइल है। इट इज यूज टू स्टोर फर्मवेयर प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर डिपेंडेंट हो उनको स्टोर करने के काम आता है रोम। अब रोम भी आगे फर्दर कई टाइप्स के, जैसे पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी रोम जिसको आप प्रोग्राम कर सको। ई पी रोम ऐसी मेमोरी जिसको आप इरेज भी कर सको और प्रोग्राम भी कर सको, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ई पी रोम, अब इरेज करने के भी हमारे पास क्या है? अलग अलग मेथड्स हैं। तो अगर हम उस डाटा को इरेज कर रहे हैं यूजिंग द इलेक्ट्रिकली मेथड्स, देन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बेसिकली रैम और रोम में क्या है? रैम राइट करने के काम और रीड दोनों काम करती है, लेकिन रोम केवल रीड करने का काम करती है। रैम के दो टाइप्स हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक, और रोम के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी क्या है हमारे पास? जो जैसे अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की, वो हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी थी, और ये क्या है हमारे पास? परमानेंट मेमोरी है, इट इज एन परमानेंटरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी का मतलब क्या था? कि जिसमें डाटा लॉस्ट हो जाता था लाइट या कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने पे, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में वो डाटा लॉस्ट नहीं होता जब तक आप उसको अपनी तरफ से डिलीट ना करो, तो इट इज नोन एज द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत कम होती थी, विद इन द फॉर्म ऑफ एमबीज या जीबीज होती थी, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी क्या है सेकेंडरी मेमोरी की? बहुत ज्यादा है, इन द फॉर्म ऑफ टीबीज, टेराबाइट्स की फॉर्म में हो सकती है सेकेंडरी मेमोरी। इट इज ओ बैकिंग स्टोर, ये बैकअप के काम आती है, इसलिए इसको बैकिंग स्टोर भी बोल देते हैं। जैसे मैग्नेटिक डिस्क हमारे पास, हार्ड डिस्क जो लगी होती है, ऑप्टिकल डिस्क जो सीडी होती है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके। और पुराने जमाने में हमारे पास होती थी डिस्क ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क एटसेट्रा, और आज करंटली हम ज्यादातर यूज हो रही है मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। और पेन ड्राइव, वो क्या है हमारे पास? एक इलेक्ट्रिकल डिस्क है जिसमें हम फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, इट इज यूज टू स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क जो कंप्यूटरों में लगी होती है वो दिस इज दैट कॉपी ऑफ दैट वन। इसमें क्या होता है? डाटा बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क। जो डाटा ट्रांसफर है वो क्या होगा? फास्ट होगा एज कंपेयर टू फ्लॉपी डिस्क। इसमें हार्ड डिस्क में रीड, इसमें एक हेड होता है, ये जो आर्म है इसके ऊपर यहाँ पे एक आगे हेड लगा होता है जो डाटा को रीड और राइट करने के काम आता है। रीड एंड राइट हेड इज पोजिशन क्लोज टू द डिस्क, वो कहाँ पे होता है? डिस्क के पास लगा होता है। डिस्क अटैच टू अ स्पिंडल, यहाँ पे एक स्पिंडल होता है जो घूमता है, जिसके बेस पे ये वाली डिस्क भी क्या होती है? घूमती है। तो डिस्क इज अटैच टू अ स्पिंडल, यहाँ पे एक स्पिंडल है जो इसको रोटेट करने के काम आता है। स्पिंडल इज रोटेटेड बाय अ मोटर, स्पिंडल को कौन घुमाएगा? मोटर। और स्पिंडल के घूमने से क्या होगी? आपकी ये डिस्क भी घूमेगी। स्पीड ऑफ द डिस्क डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द मोटर, इसके घूमने की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो उसके नीचे मोटर लगी हुई है। सेकेंड वन है फ्लॉपी डिस्क, ये आज के टाइम में यूज नहीं होती है, पहले सन 2000 तक यूज होती थी, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे ही बनी होती थी। फ्रंट व्यू ये है इसका और बैक व्यू ये होता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद द आयरन ऑक्साइड, जैसे हमारे पास आपने कैसेट्स देखी होंगी, तो कैसेट्स वाली ही टेक्नोलॉजी इसमें होती थी, कि एक रिबन होता था उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता था जो डाटा को स्टोर करने के काम आता था।
डिस्क असेस मैकेनिज्म इज अरेंज्ड एज अ हार्डवेयर यूनिट कॉल्ड डिस्क ड्राइव। ये पूरी की पूरी इसको हम बोलते थे डिस्क ड्राइव। डिस्क कंटेन्स द मोटर रीड एंड राइट हैंड। जहां पे रीड होती थी, जहां कंप्यूटर के जिस पार्ट में डलती थी उसको बोलते थे ड्राइव। उसमें भी अगेन मोटर लगी होती थी और हेड लगा होता था जो रीड और राइट करने के काम आता था। हेड कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द डिस्क थ्रू द डाटा असेस एरिया। डिस्क इज रोटेटेड टू पास द सेक्टर्स थ्रू द हेड। ये डिस्क को रोटेट करते थे ताकि ये हेड के पास। इसमें तो बेसिकली क्या होता था कि एक हेड फिक्स होता था और ये डिस्क रोटेट करती थी, उसके बेस पे हेड डाटा को रीड या राइट कर सकता था। थर्ड वन है ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम आज के टाइम में सीडी भी बोल देते हैं, जो लाइट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करती है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया। रीड्स ऑपरेशन इज डन यूजिंग द लो पावर्ड लेजर बीम। लेजर की हेल्प से हम सीडी को बर्न करते हैं। द लेजर रीड्स द डॉट्स एंड देन डाटा इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो वहां पे इलेक्ट्रिकल सॉरी लाइट के फॉर्म में वो डाटा को रीड करती थी और उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज कर देती थी। द आउटपुट फॉर्म ऑफ दिस डिवाइस इज इन आइदर ऑडियो और विजुअल और एनी अदर फॉर्म। इसके एग्जाम्पल है सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल, सीडी राइट रीराइटेबल, सीडी डीवीडी, डीवीडी रैम, डीवीडी रोम एटसेट्रा। अब मेन कंपोनेंट आता है जो प्रोसेसिंग के काम आता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो क्या है? प्रोसेसर या सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में सारे का सारा प्रोसेसिंग, सारे का सारा काम किसकी हेल्प से होता है? प्रोसेसर की हेल्प से या सीपीयू की। इसको जैसा कि हम जानते हैं कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट दैट इज ALU एंड कंट्रोल यूनिट दैट इज CU। नाम से क्लियर है, कंट्रोल यूनिट इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के काम आता है, कंप्यूटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के काम आता है। और ALU क्या काम आएगा? उसमें जो भी अर्थमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन करने हैं उनको कौन करेगा? ALU करेगा। द CPU एंड ALU आर जॉइंटली नोन एज द CPU। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट परफॉर्म्स द डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ एंटायर सिस्टम। प्रोसेसिंग कौन करता है? ALU। और कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल या ALU। इट इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑपरेशन। जो एक्चुअल में एग्जीक्यूशन करता है इंस्ट्रक्शन की। ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड हियर। इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स दैट परफॉर्म अर्थमेटिकल एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस। सेकेंड वन इज द कंट्रोल यूनिट। इट एक्ट्स एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। जैसे नर्वस सिस्टम ह्यूमन बॉडी में क्या करता है? ह्यूमन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी के। वैसे ही कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। इट गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेन मेमोरी एंड इश्यूज द सिग्नल टू कंट्रोल एवरी अदर यूनिट ऑफ दैट सिस्टम। थैंक यू। दिस वन इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।